प्याज, ओनियन एंड सीड्स ऑफ निजेला आर डिफरेंट। ये देखिए, ये है प्याज। प्याज की एक वैरायटी है AFDR, जिसे कि बरसात में भी लगाते हैं। आमतौर पे प्याज को हम सर्दियों के सीज़न में लगाते हैं, बट दिस वैरायटी AFDR कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीज़न आल्सो, एंड दिस इज़ द वैरायटी दैट इज़ नॉर्मली यू ग्रोन ड्यूरिंग विंटर्स। ये है ओनियन की पूसा रेड। तो ये पूसा रेड जो है, ये आमतौर पे रबी की वैरायटी है। तो प्याज की जब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये हैं अनियन के सीड। दीज आर सीड्स ऑफ अनियन। प्याज के सीड जब आप देखेंगे, ये इसको आप अगर टेस्ट भी करेंगे तो यू विल फाइंड दम टेस्टलेस। आपको इसमें कोई टेस्ट नहीं नज़र आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो राइट में आप ब्लैक सीड्स देख रहे हैं, जो थोड़े बहुत सेसम में शेप के हैं, जैसे ही आप इसका एक बाइट लेते हैं, ये आपको टिपिकल ऑफ कड़वापन आएगा मुँह में, जो कि कलौंजी का होता है या मंगरेला भी जिसे कह देते हैं। तो दिस इज़ निजेला सीड। निजेला सेटिवा जो पौधा है, कलौंजी जिसको हम बोल देते हैं, मंगरेला बोल देते हैं, इसका सीड जो है बहुत ज़्यादा ये एरोमेटिक है, और आप बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनियन सीड और कलौंजी सीड को। आमतौर पे क्या होता है, हम लोग कई बारी कलौंजी को अनियन सीड भी बोल देते हैं। डेट्स नॉट करेक्ट। अनियन सीड इज़ अ डिफरेंट प्लांट दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली, दैट इज़ एलियम सीपा एमेरिलिडेसी फैमिली, वेयर एज जो कलौंजी है, कलौंजी इज़ निजेला सेटिवा विच बिलोंग्स टू रेनन्कुलेसी फैमिली। तो कलौंजी और प्याज दोनों के पौधे ही अलग हैं, दोनों बीज ही अलग हैं। तो अननोइंगली लोग कलौंजी को जब रेफ़र करते हैं, दे कॉल इट एज ऑनियन सीड। तो अगर आप कलौंजी का सीड डाल के सोचेंगे यू कैन गेट अ प्लांट ऑफ ऑनियन, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन द सेम वे, अगर आप प्याज का बीज डाल देंगे और आप उसमें से एक्सपेक्ट करेंगे कि अ प्लांट ऑफ निजेला कम्स आउट, तो वो नहीं हो सकता है। डेट इज़ बोथ प्लांट्स आर डिफरेंट, इट्स एंटायरली डिफरेंट मैटर। और जो बीच में आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अनियन सीड हैं, और दो वैरायटीज़ की हमने बात करी, गर्मियों में लगने वाली और सर्दियों में लगने वाले प्याज के सीड्स की। और अब ये जो आप देख रहे हैं, ये कलौंजी है। फिर से आपको बता देता हूँ, कलौंजी इज़ निजेला सेटिवा अ डिफरेंट प्लांट। और ये बीच में आप देख रहे हैं, ये जीरा है। पर यहाँ पे जीरा का क्या यूज़ है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनियन सीड्स एंड कलौंजी? ये इसलिए है कि कलौंजी सीड्स को कई बार आप देखेंगे कि पैकेट्स भी अगर मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे वो लिखा होता है काला जीरा। बट काला जीरा बिलोंग्स टू अ सीड्स विच आर सिमिलर इन अपेयरेंस टू जीरा। वो जीरा जैसे दिखने वाले बीज हैं काला जीरा। वो बीनियम पर्सिकम होता है और एपिएसी फैमिली का। हालांकि उसी फैमिली में जीरा भी होता है अपना रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्यूमिनम साइनमिनकम। और दोनों के ही फूल, हालांकि आप अगर देखेंगे कि, तो वाइट होते हैं, बट निजेला के सी फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूइश होते हैं। ये नॉर्मल प्याज था अपना, देख रहे हैं आप, कई वैरायटीज़ हैं इसमें। यहाँ पे आप इस पिक्चर में यू कैन सी सीड्स ऑल्सो। ये स्प्रिंग ऑनियन है, जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, वो अपना रेगुलर रेड ऑनियन है। तो ऑनियन की जब हम बात करते हैं, तो ऑनियन का जो है, आपने देखा होगा इस टाइप से खेत में आपको उगते हुए दिख जाते हैं। आप इनको गार्डन्स में भी, जब आप उसको स्प्रिंग ऑनियन के तौर पे भी आप लगा सकते हैं। और स्प्रिंग ऑनियन जो है, वो उसका नाम स्प्रिंग ऑनियन है, बट वो पूरे साल भी लग सकता है। ये देखिए, ये येलो ऑनियन है। इसमें भी काफ़ी वैरायटीज आजकल अवेलेबल हैं। येलो ऑनियन की जो वैरायटीज़, इसमें आप देखेंगे फ्लैश इसका वाइट होता है, स्किन येलो होगी। ये वाइट ऑनियन है। इसमें आप देखेंगे फ्लैश भी बिल्कुल वाइट है, मशरूम लाइक ये मिल्की वाइट है, और इसका जो स्किन है वो भी मिल्की वाइट है। तो ये रेगुलर अपना रेड ऑनियन जिसको हम बोलते हैं, वो वाला है। लाल प्याज जो बहुत ही कॉमन है, ये देखिए, ये टिपिकल रेड ऑनियन। आप देख रहे हैं कितना अच्छा शेप होता है प्याज का। तो ये टिपिकल शेप है एक ऑनियन का।
और ये एक वैरायटी देख रहे हैं एग्री फाउंड आर्कराइट, जिसकी अभी हमने बात करी थी, जो कि खरीफ में भी लगा सकते हैं इन जनरल। अदरवाइज एज वी टॉक्ड अर्लियर कि ऑनियंस आर ऑफ विंटर, आर ग्रोन इन विंटर सीजन मेनली। तो ये जो ऑनियन है ये विंटर सीजन की ये वैरायटी जो AFDR है, इसकी हमने बात करी। तो इस तरह की काफ़ी वैरायटीज़ जो ऑनियन की होती हैं, इसमें ये एक पूसा रेड है। पूसा रेड जो है नॉर्मली रबी में लगाया जाता है, और पूसा रेड का ये आप देख रहे हैं ये खेत भी है, दैट इज़ अ रबी सीजन ऑनियन क्रॉप पूसा रेड। और इसके ये जो है, ये जो हमने अभी बात करी थी वो स्प्रिंग ऑनियन जिसको बोलते हैं, सो दैट इज़ स्प्रिंग ऑनियन। ये हमने बात किया सैलड्स वगैरह में यूज़ होता है, इसको गार्निश के तौर पे भी हम स्प्रिंग ऑनियन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है, जब हम सीड्स की बात करते हैं प्याज की, तो उनमें खास करके आप देखेंगे कि ये इन्फ्लोरेसेंस है, जो इन्फ्लोरेसेंस है प्याज का सीड का, ये आप देखिए ये ऐसा वाइट इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें जो सीड्स इसी में डेवलप होते हैं। सो लुक केयरफुली हाउ ब्यूटिफुल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट इज फ्लावर ऑफ ओनियन लुक्स लाइक। ओनियन इज एलियम सेपा डैट बिलोंग्स टू एमेरिलिडेसी फैमिली, या जिसको हम लिली भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, उस जैसा ये लगता है देखने में। अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं तो फुटबॉल लिली का जो है अम्बर वो, सॉरी इन्फ्लोरेसेंस, वो काफ़ी इस टाइप से मिलता जुलता है। एनी वेज, इट्स ऑनियन सिंपल जो रेड ऑनियन होता है, जिसको कि आप सर्दियों में आप लगाते हैं, ये वही वाले प्याज का फ्लावर है। तो अनियन का जो हम सीड की बात कर रहे थे, जो कि ऐसे फ्लावर्स में से निकल रहा है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल कलौंजी या मंगरेला। कलौंजी या मंगरेला जिसको हम बोल देते हैं, जो कि काफ़ी जड़ी बूटी के तौर पे भी इस्तेमाल करा जाता है, वो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही अलग फैमिली का प्लांट है, दैट बिलोंग्स टू रैनुनकुलेसी फैमिली, और इसको निजेला सेटिवा भी बोल देते हैं। तो ये कलौंजी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और जब आप मार्केट में देखेंगे कि जो कलौंजी के सीड्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, सिंस इट इज़ यूज इन कलिनरी पर्पज़ एंड एज ए मेडिसिनल हर्ब एज वेल। तो ये देखिए, ये कलौंजी के पैकेट जैसे मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के आपको अवेलेबल होते हैं, तो उन पर भी क्लियरली लिखा रहता है निजेला सीड्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये पैकेट है, इस पर भी क्लियरली मैंशन है कि ये निजेला सीड है, इट मीन्स इट इज़ ए निजेला सेटिवा प्लांट कलौंजी मंगरेला, डेट इज। अरे ये क्या, इन दिस पैकेट इफ यू लुक केयरफुली वॉट दे हैव रिटन, दे हैव रिटन ब्लैक क्यूमिन। नो 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 नो, कलौंजी जो है वो अलग है, और ब्लैक क्यूमिन जो है वो बिल्कुल अलग है। क्यूमिन जैसे हमने बात किया था, फैमिली ही प्लांट के अलग है। ये देखिए, ये है ब्लैक क्यूमिन, बिल्कुल आप देख रहे हैं जीरा की तरह जो दिखने वाला सीड है, दिस इज ब्लैक क्यूमिन। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो काला जीरा है। काला जीरा जो है उसे ब्यूनियम पर्सिकम बोल देते हैं, वो जीरा की फैमिली में आता है। ये है देखिए, ये है काला जीरा का प्लांट, जो कि जब हम हिमालय रेंज में जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीति रीजन है हिमाचल का, या और भी हायर अल्टीट्यूड्स हैं, उन पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये भी जीरे जैसा ही दिखने में पौधा है, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके भी प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही जीरा टाइप के लगते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑनियन सीड, ये जो ऑनियन के बीज हैं वो आप देख रहे हैं, जो अभी हमने पहले देखा कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम निजेला सीड, या मंगरेला जो है वो अलग प्लांट है, जीरा अलग प्लांट है, और काला जीरा अलग प्लांट है, और एक और चौथा इसी टाइप से आता है शाही जीरा। तो ये अलग अलग नाम से मिलता है। ये टिपिकल ऑनियन है, जिसको कि एग्जांपल ये पूसा रेड है, सीड की वैरायटी, ये ऑनियन के सीड हैं। तो ऑनियन सीड इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम निजेला सीड और मंगरेला सीड। तो ये आप देखिए, ये ऑनियन सीड है, देन ये है ये इधर ये जीरा है, काला जीरा इज़ अगेन डिफरेंट, देन दिस वन ये मंगरेला या कलौंजी है, डेट इज़ निजेला सीड और निजेला सेटिवा। तो होप आज के बाद आप कन्फ्यू